अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से खुश आमदीद जिया है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही कमाल का नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का नुस्खा उन अहबाब के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो ये कहते हैं कि टांगे उठा लेते हैं लेकिन फायदा नहीं, अपना उठता नहीं है, बहुत ही ज्यादा परेशानी में मुबतला है क्योंकि बेगम अब ताने मारती है, दूसरी शादी करने के लिए कहती है, तलाक लेने के लिए कहती है। तो इस वजह से मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। यकीन जाने जिस टाइम आपके पास तगड़ा अजू होगा तो फिर बेगम ने खुद ही टांगे उठा और कहना है आज अब बालमा तेरा ही इंतजार है, क्योंकि नुस्खा इतना कमाल है कि इसको खाते ही आपका 6 इंच से 8 इंच होके बाहर निकल आएगा, शलवार में ही झुंझलाएगा। जैसे ही आप नाड़ा खोलेंगे यकीन जाने जैसे चूहा बिल से बाहर निकलता है ऐसे निकलेगा। ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा दोस्तों, नुस्खे के फायदे अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो यकीन जाने ये बहुत ही छोटी वीडियो है, लेकिन अगर बताना शुरू कर दिए तो ये पूरे दिन की वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैं टाइम की कमी में ही आपको नुस्खा बता देता हूँ, इंशाल्लाह बहुत ही कमाल का नुस्खा है। तो ये नुस्खा सुन ले दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस न कर सकें। तो नुस्खे का बकायदा आगाज करता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दोस्तों आपने तुख्मे बारतंग लेना है, तुख्मे बारतंग आपने 8 तोला लेना है। दूसरे नंबर पे जो चीज आपने लेनी है वो है समंदर सूख आपने 10 तोला लेनी है। तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है बीज बंद भी आपने 10 तोला ले लेना है। और आखिरी जो चीज है कूजा मिश्री, वो भी आपने 10 तोला लेनी है। अब आपने क्या करना है, तमाम अदविया का अच्छे तरीके से सफूफ बना लेना है। जब आपने सफूफ बना लिया तो इसको अपने पास किसी कांच के बर्तन में आपने इसको महफूज करना है और 3 माशा सुबह निहार मुंह आपने हमरा दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 1 हफ्ता आपने खाना है इसको, 1 हफ्ते के बाद ही आप पता लग जाएगा। इतना जबरदस्त नुस्खा है, मोहरिक के अजलात मोहलिल एहसाब मकवी एहसाब मुस्कन गदद है, मनी और क्वाम को गलीज करके सूरत अंजाल को दूर करता है। गलीज करने का मुराद ये नहीं कि गंदा करता है, यानी उसे गाढ़ा करता है। जब मादा गाढ़ा होगा तो आपकी कुदरती टाइमिंग में बहुत ही जबरदस्त इजाफा होगा। दोस्तों नुस्खा बहुत ही कमाल का है, मुझे उम्मीद है आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। नुस्खे का मिजाज सर्द है, अब आपने अपना मिजाज किसी मुस्तनद हकीम से चेक करवाना है और उसके बाद इसका बकायदा इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जरूर पसंद आएगा नुस्खा और आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही नुस्खे जाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मुझे दीजिए अब इजाजत, में मिलता हूँ कल इससे भी नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।